श्री यशवंत सिन्हा जी का, हमारी तत्पता सहमति है रिफॉर्म से, उस रिफॉर्म को ज्यादा गति से आगे बढ़ाएंगे, ये उनका भी बयान था। इसलिए पाकिस्तान आउटलुक मनमोहन सिंह जी के ऊपर लक्ष्य करके बात नहीं कही गई, जो टोटल एलपीजी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, मैं उस सबका मिला जुला कर क्यूमुलेटिवली कह रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा महत्व की बात है कि हम जीडीपी कैलकुलेशन के कंटेक्स्ट को ही डेवलपमेंट समझ रहे हैं, वो गलत है। कंजम्पशन बेस्ड रेटिंग अगर आप करेंगे तो विषमता को आप दरकिनार कर रहे होंगे, अंतिम आदमी को और मार्जिनलाइज करने का ही परिणाम होगा। इसलिए मैंने इन कंटिन्यूएशन लिया है, किसी को सिंगल आउट करने की न मेरी इच्छा न स्थिति है। सर इसी से थोड़ा सवाल है कि बट लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो है उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है जो इतने साल से अब जाके दिख रहा है? मेरा इसमें यही स्पष्ट मैंने लिखा भी है, एक बार आपको मालूम होगा 86 से गैप निगोशिएशन शुरू हुए थे, उसके बाद 94 में जाकर WTO गठित हुआ था, 95 फर्स्ट जनवरी से वो ऑपरेट करने लगा था, और उसमें जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई है उसमें आप गौर करें तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से 83 से राजीव गांधी जी के समय से शुरू हुआ था। बाद में क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट्स कमजोर हुए, फिर मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा, फिर खेती की प्रायोरिटी कम हो गई, फिर GDP में योगदान खेती का और कम हो गया, सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र वो 56% पॉपुलेशन लगी हुई उसमें, कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 16% है GDP के अंदर, तो जीवन स्तर तो उनका और कमजोर होता ही होता। आर्थिकशिप नष्ट हो गई, माइग्रेशन बहुत बढ़ गया, अब वो जब बाजारवाद में इन अभी सिचुएशंस आएंगी तो रिवर्स माइग्रेशन होने लगा है ना, आप इन सबको जब देखेंगे तो एक कंटिन्यूम में चीज़ों को देखना चाहिए, पाकिस्तान अप्रोच से नहीं, जो कि कल से बड़ा देश। गोविंद जी, इस समय देश की जो स्थिति है, ऑटो सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, और भी सेक्टर है, लगातार मंदी की खबर आ रही है, क्या एकदम सीधा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सही दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है? फिर मैं नहीं कहूँगा, जो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के संदर्भ में बात की, मैंने उनका एक्यूज नहीं किया। वैसे किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी को सिंगल आउट करना, एक्यूज करने के पॉलिटिकल एक्रोबैटिक्स में मैं लगना नहीं चाहता हूँ। मैं लगना चाहता हूँ उस अंतिम व्यक्ति को कैसे मिले, तो GDP कैलकुलेशन में ही जो मैंने बात रखी है, जैसे इकोसेंट्रिक मापदंड होने की मैंने कहा है, तो आप ध्यान देंगे तो प्रकृति का संपोषण ही विकास है, इस डिक्टम पर आपको आना पड़ेगा। जब आप इस पर आएंगे तो जमीन, जल, जंगल, जानवर, उसके बाद जल, इन पांचों का स्टॉप टेकिंग तो करेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि डिस्पैरिटी कितनी बढ़ गई है। तो इस सिस्टम में ही थॉट प्रोसेस में जब तक आप पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, मैंने उसमें लिखा कि पैराडाइम शिफ्ट होने की जरूरत है, कि लगभग 200 वर्षों से जो हमने मानव केंद्रित विकास की अवधारणा पर सरकारवाद और बाजारवाद का रास्ता आगे किया है, हमने उसकी जगह पर ही इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट को अवधारणा के नाते स्वीकार करना चाहिए, तो विकास का पैमाना बदल जाए, जैसे GDP का और ग्रोथ रेट न हो। मेरा कहना है कि देश के हर बच्चे को रोज आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध मयसर है या नहीं है, ये विकास का ABC तो हो। उसी प्रकार जमीन की फर्टिलिटी घटी तो विनाश, जलस्तर नीचे गया तो विनाश, वनाच्छादन घटा तो विनाश, मनुष्य मवेशी अनुपात मवेशी के पक्ष में नहीं गया तो विनाश। तो विकास के आधार को मनापे जाए वो तो इसके आधार पर हो। फिर आप खुद देखिएगा, सामान्य आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय से दूरी बढ़ती जा रही है, एक्सेस नहीं मिल पा रही है, ग्राउंड लेवल तो यही अनुभव आ रहा है। कुछ लोग भाग्यशाली हैं जिनको ये सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो हम ग्रोथ रेट को पैमाना माने, GDP को पैमाना माने,
उसके अकेडमिक बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, और जब आप इस आस्था से काम शुरू करेंगे कि प्राकृतिक संपोषण ही विकास है, तो जो चित्र बदलेगा, अब 25 साल हो गए हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी उस समय की, उसमें रिविजन की जरूरत है। लोकल रिसोर्सेस, लोकल प्रोडक्शन, लोकल मार्केटिंग, लोकल कंजम्पशन, इस बात पर मैंने जोर दिया है। मेरा कहना है कि उसको और कई कामों से संतुष्ट और सप्लीमेंट करना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो इन सब पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हमने दलहन की बात कही है, अब दलहन या तेलहन को पावली ऑयल को आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, भैया यहाँ के किसानों का ध्यान रखें ना, और क्या इंसेंटिव्स ले सकते हैं? तो इंसेंटिव्स देने में, क्योंकि वो मूंग है, जैसे उदाहरण छोटी सी बात बताता हूँ, शायद विषय अंतर होगा पता नहीं, किसानों की आत्महत्याएं विदर्भ में जो बहुत हो रही थी, मैं उस इलाके में घूम रहा था, मैंने क्या देखा, पांडरा कवड़ा आदि के पास के गाँव में नीचे पानी जो निकलता है ट्यूब से, तो नेवर नीचे चला ही गया, और उसमें फ्लोराइड कंटेंट सबसे ज़्यादा है। आसपास के गांव की पूरी पीढ़ी की पीढ़ी विकलांग सी होती दिख रही है। वहां से अमरावती और आ रहा था अकोला, तो सारे पेड़ और संतरे की खेती मुरझाई हुई और पेड़ सूखे, कारण क्या, पानी खत्म, डार्क जोन, पंजाब में आपको अनुभव आएगी। तो मेरा कहना है कि भैया प्रायोरिटाइज कुछ किया जाए, तो प्रायोरिटाइज करने में State is created to protect those who cannot protect themselves. राज्य संस्था का ही गठन इसलिए हुआ है समाज में, वो उनका बचाव कर सके जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। इस निशाने जब सोचें तो पूरक कदम के नाते संघ से कम करें ना, ये मेरा निवेदन है। इसलिए मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय की बात की, तो जो मैंने इंटरनेट की बात उठाई थी उसी को जोड़ा है ट्रांसपेरेंसी से, उसी को जोड़ा है अकाउंटेबिलिटी और ज्यूडिशियल से। वो केवल एक सिल्वर कैसल में आकाश में तो नहीं है ना। तो मैं मानता हूँ कि भैया जजों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए, 1 मिलियन पर 112 जज होंगे हमारे देश में, 12.5-13-17 तक जजिंग का अपॉइंटमेंट है, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस तो होगी। उसी तरह से कॉलेजियम हो कि NJAC, उसमें झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के सलाहों पर, क्या बैठ जा रहे हैं? मूल का जनता को तो जरूरत है कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ जजेस को जो सब्जेक्टिव बना डाला है, फलता कुनबा बात पनपा है, सब लोग आरोप लगाते हैं, तो बात तो उस तक जानी पड़ेगी ना भाई। इसके पैरामीटर्स जो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट में जो सोचते हैं उनके, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो सामान्य व्यक्ति को चीज़ें उपलब्ध कैसी हों, ये तो संवेदनशीलता आवश्यक है।